चीन के तिब्बत में गांवों की तस्वीर बदल रही है। तिब्बत के पारंपरिक गांवों की जगह वो मॉडल विलेज बना रहा है जिसमें रहने वालों को हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। नीले आसमान के नीचे सलीके से बने घर, ये तिब्बत के शनन प्रीफेक्चर के कोंका काउंटी का देरजी गांव है। ये गांव हर सुख सुविधा से लैस है। गांव को रोशन करने के लिए सोलर पैनल है तो खाना पकाने के लिए बायोगैस और सोलर स्टोव। और तो और गांव के छोटे बच्चों के लिए किंडरगार्टन भी यही है। आपको बता दें कि यहां पर ये जो आप वाहन देख रहे हैं छोटी सी कार है इनकी और ये बच्चों को लाने ले जाने का काम करती है। कौन से बच्चे इसमें आते जाते हैं? Which kids go in this vehicle? This the kindergarten here. There are 19 kids here and so their parents are here to pick them up. ज्यादातर की रोजी रोटी का जरिया खेती है, लेकिन कुछ मजदूरी का काम भी करते हैं। यहाँ हर घर की छत पर चीनी झंडा बताता है कि ये चीन का खास प्रोजेक्ट है। घर बनाने के लिए सब्सिडी से लेकर इंटरेस्ट फ्री लोन तक गांव वालों को हर मदद दी गई है। खेती बाड़ी के अलावा पशुपालन में भी सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है। इस विलेज में उन्होंने जो खूबी है, मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का काफी यूज है। लेकिन इस विलेज को देख के आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि तिब्बत में और जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं। तिब्बत पर चीन के दखल को लेकर काफी सवाल उठे हैं और यही वजह है शायद कि तिब्बत में इस तरह के गांव को विकसित करने में चीन जुटा हुआ है, ताकि ये दिखा सके कि आखिरकार चीन के प्रभाव से तिब्बत किस तरह से तरक्की कर रहा है। 6 प्रीफेक्चर में बंटे तिब्बत में फिलहाल शनन ही ऐसा है जहां लगभग 1/3 गांवों को मॉडल विलेज में बदलने का दावा चीन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि तिब्बतियों का एक वर्ग इसे विकास कम और चीनी असर को बढ़ाने के तरीके के तौर पर देखता है। तिब्बत से कादमनी शर्मा के साथ उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।